तैयारी के लिए इतने वहाँ लोगों को, सारे बस्तियों को, झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, पर्दे लगा दिए, एक तरह से दिल्ली को मैंने एक तरह से ढक दिया गया कि भाई ताकि गरीब लोग ना दिखे। तो हमें लगता है एक तो पहली बात ये बहुत बनावटी है, नकली है और गरीबों का अपमान, और इसीलिए तानाशाही को ख़त्म करने के लिए ही तो इंडिया गठबंधन जो बना है वो इसी बात के लिए बना है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो है वो महफूज रहे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर CPIML की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पटना में पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पटना में 12 और 13 तारीख को स्कीम वर्क्स का राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। वहीं G20 सम्मेलन पर माले ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। CPIML का कहना है कि G20 सम्मेलन में दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। तो वहीं नीतीश कुमार के साथ PM मोदी की फोटो और नजदीक के सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा जिसको निमंत्रण था वह जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे। सब लोगों को खराब लगा कि G20 बैठक है इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया। G20 की बैठक में, G20 कोई दुनिया के अमीर देशों का संगठन नहीं है, G20 है उसमें अमीर देश भी है और दुनिया के जो जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं गरीब देश भी है। तो हिंदुस्तान तो कोई अमीर देश है नहीं, तो हमारे दिल्ली शहर में गरीब लोग रहते हैं ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो गरीबों को उजाड़ा गया इस G20 की तैयारी के लिए, इतने वहाँ लोगों को, सारे बस्तियों को, झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, पर्दे लगा दिए गए, और जिस तरह से दिल्ली को मैंने एक तरह से ढक दिया गया कि भाई ताकि गरीब लोग ना दिखे। तो हमें लगता है एक तो पहली बात ये बहुत बनावटी है, नकली है और गरीबों का अपमान है। हमें तो बल्कि कायदे से ऐसे जो G20 जैसे बैठक में बढ़ चढ़ करके दुनिया के गरीबों के सवालों को उठाना चाहिए, और दुनिया के गरीबों के सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कर्ज का बोझ। अभी श्रीलंका में जितना बड़ा आर्थिक संकट आया और जबरदस्त अस्थिरता थी, तो उसके पीछे कारण था कि उसके ऊपर इतना कर्ज का बोझ है, हमारे ऊपर भी बहुत जबरदस्त कर्ज का बोझ, दुनिया तो चिंतित है भारत के लोकतंत्र को लेकर के, और ऊपर से अगर कोई इसमें डिनर में भी इनविटेशन होता है और वहाँ देश के प्रमुख विपक्षी दल उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता नहीं मिलता, तो निश्चित तौर पर इससे भारत की छवि तो बनती नहीं है, छवि कमजोर होती है। नहीं, तानाशाही तो बिल्कुल तय बात है, कहीं ना कहीं नहीं है तो पूरे देश में हर रोज हम लोग तो एक कानूनी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ संविधान बदलने की बात कह दी गई है और अम्बेडकर के संविधान को अंग्रेजों का संविधान बताया जा रहा है, और अभी तो सत्र में क्या आएगा हम नहीं कह सकते, इसलिए तानाशाही तो बिल्कुल खुली हुई बात है कि देश में पिछले 9 साल से 10 साल से तानाशाही बढ़ रही है, और अगर इनको और मौका मिल जाएगा तो देश में लोकतंत्र का कुछ भी नहीं बचेगा, और इसीलिए तानाशाही को ख़त्म करने के लिए ही तो इंडिया गठबंधन जो बना है वो तो इसी बात के लिए बना है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो है वो महफूज। जो लोग थे, जो सबसे ज़्यादा, जो जितने ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के करीब थे, वो उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझते हैं, और वो सारे लोग परेशान होकर के बाहर आ रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बात उठ रही है और बढ़ेगी। बता दें कि एक ओर जहां बीजेपी सरकार को मात देने के लिए विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल भाकपा माले ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। भाकपा माले ने RJD सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीट मांगी है। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।